नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत आपके खास चैनल रेडिट में। आज मैं अगर आपके सामने अरिहंत का अवतार का भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का क्वेश्चन बैंक। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यूवी बोर्ड के स्टूडेंट हैं और कक्षा 12 में पढ़ते हैं और साइंस साइड आपकी मेन स्ट्रीम है, अर्थात जो भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान ये आपके मेन सब्जेक्ट है, तो सिचुएशन में कम समय में अधिक तैयारी करने के लिए आपको क्वेश्चन बैंक रिकमेंडेड किया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा जो अवतार का क्वेश्चन बैंक है वो आपके लिए कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस क्वेश्चन बैंक का रिव्यू। अरिहंत द्वारा प्रकाशित किया जाता है, अवतार नाम से सीरीज आती है, कक्षा 12 के लिए फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान का ही है। बात करें इसके एमआरपी की तो ₹125 इसका एमआरपी है, डिस्काउंट करने के बाद लगभग ये 70 से लेकर ₹100 के बीच आपको देखने को मिलता है। बात करें इसमें नंबर ऑफ पेजेस की तो 206 इसमें नंबर ऑफ पेजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर के पैटर्न की, किस प्रकार पैटर्न आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें तो शुरुआत में आपको पूरा का पूरा सिलेबस देखने को मिलने वाला है, जैसे आप क्वेश्चन बैंक ओपन करते हैं। उसके बाद जो कौन से टॉपिक हटाए गए हैं और कौन से एनसीईआरटी पेज नंबर पे टॉपिक्स है वो सब यहाँ पर लिस्ट दी गई है, ताकि आप अपने सिलेबस से फुल्ली अपडेटेड रहे। बात कर लेते हैं अब जो चैप्टर है विषय सूची में कौन कौन से चैप्टर्स आपको देखने को मिलते हैं, तो कुल यहाँ पर 25 अध्याय आपको देखने को मिलते हैं। वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत फ्लक्स तथा गोस की प्रमेय, स्थित वैद्युत विभव तथा वैद्युत धारिता, वैद्युत चालन तथा ओम का नियम। इसके बाद आगे चले तो आपको किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, धारा लूप पर बलूम का आघूर्ण चल कुंडली धारामापी, चुंबकीय पदार्थ, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। इसके बाद प्रकाश का प्रवर्तन तथा दर्पण, प्रकाश का अपवर्तन, गोले पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन एवं लेंस, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा विक्षेपण, प्रकाशिक उपकरण जैसे सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी, प्रकाश की प्रकृति तथा हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश वैद्युत प्रभाव तथा द्रव्य तरंगे, परमाणु की संरचना तथा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, नाभिक की संरचना, नाभिकीय ऊर्जा, अर्धचालक तथा संधि डायोड। ये 25 चैप्टर्स आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं जो चैप्टर है उसका पैटर्न किस प्रकार का है, तो देखिएगा सबसे पहले अध्याय एक वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत द्विध्रुव, फास्ट ट्रैक रिवीजन। इसमें सबसे पहले आपको वैद्युत आवेश देखने को मिलता है हेडिंग के रूप में, अर्थात शुरुआत में फास्ट ट्रैक रिवीजन का मतलब है पूरे चैप्टर का निचोड़, पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, फॉर्मूला, समरी और स्टार्टिंग थ्योरी, स्टार्टिंग नोट्स आपको ये फास्ट ट्रैक रिवीजन में देखने को मिलते हैं। जैसे फास्ट ट्रैक रिवीजन फिनिश होता है तो उसके तुरंत बाद शुरू होते हैं भौविकल्प प्रश्न, और जो प्रीवियस ईयर यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उनके सन भी सामने दिए गए हैं उन क्वेश्चंस के साथ। तो जो सन वाले क्वेश्चन है वे तो आपको अवॉइड बिल्कुल नहीं करने हैं, वे तो करने ही करने हैं, क्योंकि लगभग 80% अपने क्वेश्चन रिपीट करता है यूपी बोर्ड, बशर्ते थोड़ी बहुत डिजिट चेंज हो जाते हैं, अदरवाइज पूरा क्वेश्चन सेम रहता है। आगे चले लगभग 19% देने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसके सामने लिखा हुआ है एक अंक, मतलब जो अति लघु प्रश्न आएगा वो एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, और प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए वो भी यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, इसके अंदर प्रश्न किस सन में पूछे गए उस सन भी इसके अंदर दिया गया है, थोड़ा सा लेंथ बढ़ा दी गई है सॉल्यूशन की। आगे चले फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद आंकिक प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं और कौन से सन में पूछे गए हैं, यहाँ तक के एनसीईआरटी क्वेश्चन भी इसके अंदर इन्वॉल्व किए गए हैं। तो सीधा साधा सा पैटर्न है, सबसे पहले पूरे चैप्टर की थ्योरी, पूरा चैप्टर का निचोड़, पूरे चैप्टर की समरी, उसके बाद भौविकल्प प्रश्न, उसके बाद अतुल्य उत्तरीय प्रश्न, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर लघु उत्तरीय टाइप टू टाइप के क्वेश्चन, यानी दो अंक के ये थे, ये तीन अंक का क्वेश्चन है, उसका विस्तृत क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और यही पैटर्न आपके पूरे क्वेश्चन बैंक में यूज किया गया है, आप देख सकते हैं सेम पैटर्न। अब चैप्टर के लास्ट में चले, चैप्टर के लास्ट में आपको क्वेश्चन बैंक के लास्ट में आपको क्या देखने को मिलता है, चलिए बता दें आपको। तो चैप्टर के लास्ट में आपको प्रयोगात्मक कार्य, जो यूनिक चीज है देखने को मिलती है, जो प्रैक्टिकल्स है आपके वो देखने को मिलते हैं। इसके बाद इंसुलेटेड मौखिक प्रश्न भी आपको देखने को मिलते हैं। तो हर प्रयोग का, हर एक्सपेरिमेंट का एक वाइवा वॉइस क्वेश्चन टॉपिक वाइज दिए गए हैं।
इसका तो मॉडल पेपर दिए गए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। पैटर्न वही है, सबसे पहले वहीकुलर प्रश्न, अतुलिखित्रय प्रश्न, लघुत्रय प्रश्न, लघुत्रय टाइप टू, और फिर विस्तृत क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मॉडल पेपर टू, मॉडल पेपर थ्री आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद एमसीक्यू मास्टर देखने को मिलता है। यहाँ पर जो वन लाइनर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, इनके आंसर इनके सामने ही आपको देखने को मिलते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद एग्जाम 220 नाम से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन है वो यहाँ पर दिए गए हैं, जो अक्सर क्वेश्चन में सीधे सीधे पांच नंबर में पूछे जाते हैं, जिनको आपको वर्ड बिल्कुल नहीं करना है, उनका एक ग्रुप दिए दिया गया है। लास्ट में आपको लक्ष्य 2024 के नाम से एक मॉडल पेपर आपके प्रैक्टिस के लिए 3 घंटे 15 मिनट लेकर आप खुद इसको हल कर सकते हैं, और लास्ट में इनका सोल्यूशन चेक कर सकते हैं और अपना मूल्यांकन समाप्त कर सकते हैं। तो ये था अवतार का भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के लिए का शॉर्ट रिव्यू। देखिए अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो 5 में से 4 की रेटिंग दूंगा। अच्छा, एक रेटिंग कट क्योंकि है, रीजन साफ है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी कम है। आप देख सकते हैं एक चैप्टर में इतने क्वेश्चंस दिए गए हैं जो मुझे नहीं लगता मोर देन सफिशियंट है। हाँ, ये तो है क्या यार कि पूरा का पूरा पेपर आपको इसमें से देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी जब आउट ऑफ थीम क्वेश्चन पेपर सेट होता है तो तब क्वेश्चंस का रिपीटेशन थोड़ा मुश्किल होता है, वहाँ पर आपकी जो रियल नॉलेज है वो आपके काम आती है। तो यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट लगा, इसलिए मैंने इसमें से एक पॉइंट कट कर दिया और रेटेड पर इसको 5 में से 4 की रेटिंग मैंने दी। तो ये था रेटेड पर अवतार का रिव्यू। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार की बुक वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।